सरदारपुर में पदस्थ SDOP ऐश्वरी शास्त्री का आज दिनांक 31/1/2021 को रिटायर्ड होना है। अपने नाम के अनुसार ही अपने काम को पूर्ण करना एक मिसाल बनी है। ऐश्वर्य का अर्थ ही ईमानदार सर्वगुण संपन्न होकर कीर्तिमान बनाना होता है। शास्त्री का अर्थ भी विशेषज्ञ ज्ञाता माना जाता है। माता पिता के रखे इस नाम को SDOP शास्त्री जी ने बखूबी निभाया है। डॉक्टर RP शास्त्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्रीमती चंपा शास्त्री शुजालपुर के यहाँ 19 जनवरी 1959 में पुत्र की प्राप्ति हुई, जिनका नाम ऐश्वर्य शास्त्री रखा गया। उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा बाल विनय मंदिर विद्यालय से सेकेंडरी की शिक्षा पूर्ण की। श्री शास्त्री जी ने होलकर साइंस कॉलेज व गुजराती कॉलेज इंदौर से BSc की शिक्षा पूर्ण की। वे वर्ष 1982-83 की बैच में सब इंस्पेक्टर के पद पर चयनित हुए और अपना पहला कदम पुलिस विभाग में रखते हुए उन्होंने 1983-84 में उज्जैन जिले में पदस्थ होकर अपनी सफलता का परचम लहराया एवं अपने नाम के अनुसार ईश्वर का कीर्तिमान स्थापित करते गए। CSP धार, SDOP कुक्षी, CSP भोपाल, SDOP मनावर, SDOP झाबुआ आदि अलग अलग स्थानों पर सेवाएं देने के वर्तमान में भी धार जिले की सरदारपुर तहसील में अपने पद की गरिमा बढ़ा रहे हैं। श्री शास्त्री जी ने पुलिस विभाग में अपने जीवन का अमूल्य समय बिताते हुए आम जनता के दिल में एक विशेष जगह बना ली एवं अपने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में अपनी टीम गठित कर अंधे कत्ल, लूट, डकैती जैसे गंभीर अपराध करने वालों का पर्दाफाश कर खुकार अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुँचा कर अपना नाम एवं अपने विभाग का नाम रोशन किया है। आज के दिन विदाई समारोह में हर वर्ग का हर व्यक्ति, हर समाज का व्यक्ति उनका सम्मान करता हुआ नजर आया। सरदारपुर स्थित SDOP कार्यालय पर उनके नाम क नाम का ऐश्वर्य बनाने की कड़ी बनती गई। सरदारपुर स्थित कार्यालय पर सभी ने मिलकर स्वागत किया एवं उनके कार्यकाल को कभी ना भूलने वाली बातें कही। टीम भारती न्यूज। आज मेरी सेवानिवृत्ति का दिन है। मैंने 38 साल की पुलिस की नौकरी में अच्छे से अपने कार्य को निभाया, उसकी मुझे खुशी है और मैं आज बेदाग रिटायर हो रहा हूँ। मेरा अपने विभाग के सभी लोगों से ये अपेक्षा है कि अपने पुलिस विभाग के प्रति बिल्कुल नकारात्मक रवैया नहीं रहे, सकारात्मक रवैया रखेंगे तो हर तरीके से आपका निचला स्टाफ, आपके ऊपर के वरिष्ठ अधिकारी, आपके साथी लोग आपको पूर्ण सहयोग करेंगे। और मैं यहाँ के स्टाफ से भी आशा करता हूँ कि जितना सहयोग उन लोगों ने मुझे दिया है उतना ही आने वाले SDOP को भी सहयोग करें। और आम पब्लिक के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके का भाईचारा, जिस तरीके की कार्रवाई इन 2 सालों के अंदर हुई है, वह का वही अमन चैन और कानून व्यवस्था बनाए रखने में जो यहाँ के नागरिकों ने हमारी मदद की है, यहाँ पुलिस के साथ कोरोना काल में और बाकी घटनाओं में भी जो कंधे से कंधा मिला के यहाँ के आम पब्लिक ने पुलिस का साथ दिया है, वैसा ही साथ निरंतर देते रहें जिससे क्षेत्र में सुख शांति बनी रहे। Subscribe now to most exciting channel ever.